हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आगे एक लिमिट की वीडियो लेक्चर की सीरीज लेके आया था। जो मैंने आपको लिमिट के रिगार्डिंग सारे वीडियो लेक्चर की सीरीज एक्सप्लेन की, अब मेरा एक नया सीरीज स्टार्ट हो रहा है जिसमें मैं आपको ओपन प्रॉब्लम डिस्कस करके दिखाऊंगा, जो बहुत ही आसान ओपन प्रॉब्लम है। अगर इंडियन स्टूडेंट अगर ऐसा चाहते हैं कि हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो वो बहुत आसानी से कर सकते हैं, पर वो कभी उस पर ध्यान नहीं देते कि हाँ हम इसको सॉल्व करें ऐसा कुछ। ठीक है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ऐसे ओपन प्रॉब्लम के बारे में सोचो, डिस्कस करो और अपने फ्रेंड को भी बताओ, और डिस्कशन से आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। जैसे आज मेरा ओपन प्रॉब्लम है लहमर प्रॉब्लम। बहुत लोगों को पता भी होगा, और जिसको नहीं पता मुझे इतना बताओ, कितने लोगों को ऑयलर फी फंक्शन के बारे में पता है? ऑयलर फंक्शन मीनिंग, अगर आप वन है तो वन के साथ कितने रिलेटिव प्राइम नंबर हैं? तो एक ही है। ओके, टू है तो टू के साथ कितने रिलेटिव प्राइम नंबर हैं? हाउ मेनी रिलेटिव प्राइम नंबर टू कितने हैं? एक ही है। अगर थ्री के साथ रिलेटिव प्राइम नंबर देखो कितने आएंगे, वन रिलेटिव प्राइम है, जिसका जीसीडी कितना बनता है थ्री के साथ, वन। टू का जीसीडी थ्री के साथ कितना बनता है, वन, तो टोटल कितना है, दो। अगर आप फोर का देखो तो फोर के कितना है, टू। फाइव के कितना है, फाइव, तो कितना होगी, टू, फोर। ठीक है, फाइव ऑफ सिक्स, सिक्स के साथ कितने रिलेटिव प्राइम नंबर हैं? अगर देखो तो आप कितना बताओगे, वन का जी सी डी सिक्स के साथ कितना है, वन, टू का नहीं है, थ्री का नहीं है, फोर का नहीं है, फाइव का जी सी डी वन है, टोटल दो नंबर है। ठीक है, इस तरीके की रिलेटिव प्राइम नंबर का जो काउंट करते हैं उसको ऑयलर फी फंक्शन बोलते हैं। तो जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ तो हम उसको इस तरीके से लिखते हैं, फाइव ऑफ एन इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ऑल सच नंबर की बिलोंग्स टू एन, और की कितना होना चाहिए, जिससे डी के का एन के साथ वन आना चाहिए, और एक चीज़ आपके ये भी सेटिस्फाई हो जानी चाहिए साथ में कि के हैं वो वन से लेके एन के बीच का नंबर होना चाहिए, कोई भी, एन तो कभी बनेगा नहीं। ये सेट की कार्डिनलिटी को आप बोलते हो ऑयलर फी फंक्शन। ठीक है, अब जैसे आपको पता चल गया यहाँ पर कि पहले एक बार वन वैल्यू आ रही है, फिर वन आया, फिर टू टू फोर फोर टू, सारे नंबर के लिए कैसा नंबर आ रहा है, इवन नंबर। ओके, तो ऑयलर फी फंक्शन ऑलवेज कैसा आता है, इवन। मीनिंग कि अगर आप देखो तो सिर्फ ऐसा बन रहा है कि सिर्फ अगर मैं देखूं तो सिर्फ वन के लिए एन इज इक्वल टू वन, और टू के लिए फाइव ऑफ एन कैसा नंबर है, ऑड नंबर। ओके, और बाकी एन इज इक्वल टू, एन इज ग्रेटर दैन इक्वल टू थ्री, आप कोई भी नंबर ले लो, फे ऑफ एन ऑलवेज कैसा नंबर होगा, इवन नंबर। ओके, इतना पता है। ये कंजेक्टर है क्या? अब देखो, अगर मैं कोई भी प्राइम नंबर लूँ, पहले आपको थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ कि ऑयलर फी फंक्शन किस टाइप का है और किस तरीके से आता है। अगर देखो मैं कोई प्राइम नंबर लेता हूँ पी, तो पी के साथ वन लू, टू, थ्री, अप टू पी माइनस वन, सारे नंबर का जीसीडी कितना आएगा, वन। तो पी का अगर मैं ऑयलर फंक्शन लिखूँ फाइव पी, तो कितना होगा, पी माइनस वन नंबर होगी, डन, इतना तो मुझे पता है। ओके, ठीक है, अब मैं आपको ऐसा बता देता हूँ, कोई पी इंटू क्यू है, दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट, और एक है पी स्क्वायर, डन। पी स्क्वायर के साथ रिलेटिव प्राइम नंबर कौन से होंगे, वन, टू, अप टू अप जाओ तो पी माइनस वन रिलेटिव प्राइम है उसके साथ। ठीक है, फिर पी रिलेटिव प्राइम होगा, नहीं होगा। ठीक है, फिर अगर आप पी प्लस वन लेते हो रिलेटिव प्राइम है, पी प्लस टू लो रिलेटिव प्राइम है, अप टू टू पी तक, टू पी माइनस वन तक जाते हो और एक टू पी रिलेटिव प्राइम होगा, नहीं पॉसिबल। ठीक है, ऐसे कंटिन्यूस अगर आप कैलकुलेट करो तो कहाँ तक जाओगे, ऐसे कंटिन्यूस कैलकुलेट करते करते आप पी स्क्वायर तक जाओगे, पी स्क्वायर रिलेटिव प्राइम नहीं है, तो कितने नंबर निकल जाएंगे, एक, दो, तीन, चार, अप टू पी, तो
तो टोटल नंबर कितने हैं, पी स्क्वायर, और उसमें से कितने निकल जाएंगे, पी। तो अगर कभी आपको ऐसा पूछा हुआ है पी स्क्वायर के साथ कितना रिलेटिव प्राइम नंबर है, तो आप कितना बताओगे, पी स्क्वायर माइनस पी। ये बहुत ही सिंपल है क्योंकि ये रिलेटिव प्राइम नंबर नहीं होंगे पी स्क्वायर के साथ। ओके, पी इंटू क्यू के साथ, तो कभी भी आपको पता हो तो जो रिलेटिव प्राइम नंबर पी के साथ है, ठीक है, पी और क्यू दोनों प्राइम नंबर हैं, बोथ आर आर प्राइम। ओके, तो पी ऑफ पी इंटू क्यू फाइंड करोगे तो उसका आप इस तरीके से बता सकते हो, पी ऑफ पी इंटू पी ऑफ क्यू, मैंने के दोनों उसके साथ रिलेटिव प्राइम, इसके साथ कितना रिलेटिव प्राइम नंबर होगा पी माइनस वन, और इसके साथ कितना रिलेटिव प्राइम नंबर होगा क्यू माइनस वन। तो इतने रिलेटिव प्राइम नंबर हैं। यही प्रोसेस को अगर आपको पता हो जनरली, तो कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है एन, उसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की पावर में लिख सकते हो, तो पी वन प्राइम नंबर है उसकी अल्फा वन पावर, पी टू प्राइम नंबर है उसकी अल्फा टू पावर, अप टू पी एन नंबर है उसकी अल्फा एन पावर, ऐसा लिख सकते हैं। तो फी ऑफ एन कितना होगा रिलेटिव प्राइम नंबर का कलेक्शन, तो आप ऐसा बोल सकते हो पी वन के साथ कितना रिलेटिव प्राइम नंबर होगा, अल्फा वन माइनस पी वन रेस टू अल्फा वन माइनस वन, ठीक है, पी टू के रेस टू अल्फा टू माइनस पी टू रेस टू अल्फा टू माइनस वन। ये कहाँ से आया कोई मुझे पूछे तो मैं यही आंसर दूंगा कि आप सिंपली एक चीज देख सकते हो कि यहाँ मैंने किस तरीके से कैलकुलेट किया, पी स्क्वायर के साथ कितना रिलेटिव प्राइम नंबर थे, तो मैंने पी स्क्वायर तक के सारे लिख दिए उसमें, पी टू पी पी स्क्वायर तक के सारे पी निकाल दिए, तो पी स्क्वायर माइनस पी अप्लाई किया, ठीक है। जनरली आप मैथमेटिकल इंडक्शन लगा के पी रेस टू एन है उसको सही ले लो और एन माइनस वन को सही ले लो और एन के लिए ट्रू बता दो, तो पी रेस टू एन माइनस पी रेस टू एन माइनस वन, ये रिजल्ट ट्रूफ हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अभी ये पता चल गया। अब मैंने अभी आपको आगे बताया कि मैं आज कौन सा प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूँ, लेहमर प्रॉब्लम। ओके, एक्चुअली ये है क्या, अब आपको लगेगा सिंपल है, रीजन देखो, इसमें ऐसा प्रॉब्लम है कि फी ऑफ एन एन माइनस वन को डिवाइड करेगा, ये आपका प्रॉब्लम है, इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, फाइंड सॉल्यूशन। ओके, इसका सॉल्यूशन फाइंड करो, फी ऑफ एन एन माइनस वन को डिवाइड करे, ऐसे एन कैलकुलेट करो। तो बहुत सारे स्टूडेंट बता देंगे कि सर ये तो क्या है, बहुत ही आसान है, क्योंकि अगर आप प्राइम नंबर लो तो प्राइम नंबर के लिए फी ऑफ एन क्या आता है, पी माइनस वन, और यहाँ पी माइनस वन को तो डिवाइड करेगा ही। ओके, तो ऑल प्राइम नंबर आर सॉल्यूशन ऑफ दिस। ओके, तो सारे प्राइम नंबर इसके सॉल्यूशन है, वो डिसाइड हो गया। अब मुझे बताओ, प्राइम नंबर के अलावा कोई कंपोजिट नंबर इसका सॉल्यूशन होगा, ये आपका क्वेश्चन है, कैसा नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर तो इसका सॉल्यूशन बनेगा, कोई कंपोजिट नंबर इसका सॉल्यूशन है। तो लेहमर कंजेक्टर ये है कि कोई कंपोजिट नंबर के लिए फी ऑफ एन ऑयलर फाइव फंक्शन एन माइनस वन को डिवाइड करेगा, ऐसा प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें बहुत सारे चीज़ों का वर्क हो गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर एन टू से ज़्यादा कोई भी नंबर लेता हूँ, मीनिंग के थ्री या थ्री से ज़्यादा कोई भी नंबर लेता हूँ, तो उसके लिए मेरा ये फी ऑफ एन ऑलवेज कैसा नंबर आएगा, इवन नंबर। ओके, तो अगर मैंने सपोज करो कि एन को इवन लिया हुआ है, ओके, एन को कैसा नंबर लिया है, इवन नंबर, एन इवन ले लूँ तो एन माइनस वन, एन को इवन लेता हूँ तो एन माइनस वन वो कैसा नंबर होगा, ऑड नंबर, और फी ऑफ एन तो ऑलवेज कैसा आएगा, इवन, तो इवन नंबर कभी ऑड नंबर को डिवाइड करेगा, नेवर पॉसिबल। इसका मीनिंग आपका इवन सॉल्यूशन नहीं होगा, मीनिंग के ये प्रॉब्लम का अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन ऑलवेज कैसा होगा, ऑड, ठीक है। क्योंकि अगर इवन लोगे तो फाइव ऑफ एन कैसा होगा, वो तो इवन ही आएगा, पर नीचे जिसको डिवाइड कर रहे हो वो कैसा हो जाएगा, ऑड, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसका मीनिंग कि आपका ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑलवेज कैसा होगा, ऑड, अगर कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट है तो वो ऑड ही होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ों का वर्क भी हुआ है, जैसे कि लेहमर ने बताया था कि अगर ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो तो उसमें कंपोजिट नंबर में एटलीस्ट सेवन डिस्टिंक्ट प्राइम का कंपोजिट नंबर होगा,
अगर सेवन तक का कोई ऐसा सेवन डिस्टिंक प्राइम कंपोजिट नंबर ना हो, ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो इसका सॉल्यूशन हो। मीनिंग कि इसका कोई सॉल्यूशन है तो वो ऑड है, वो भी फिक्स है, और उसमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे, डिस्टिंक प्राइम फैक्टर ऑफ एन के प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो कितने डिस्टिंक प्राइम होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू सेवन। मीनिंग के नंबर ऑफ डिस्टिंक प्राइम नंबर कितने होंगे, सेवन या सेवन से ज़्यादा। उसके बाद भी 1918 में कोहेन ने ये प्रूव किया था, कोहेन और हेंगीज ने प्रूव किया था कि ये नंबर 10 की 20 पावर से ज़्यादा ही होगा। मीनिंग कि आप इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हो तो वो 10 की 20 पावर से ज़्यादा होगा, और उसमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू 14 होगी, मीनिंग कि 7 से भी ज़्यादा। तो उन्होंने ये एक पेपर पब्लिश किया था। अब एक चीज़ यहाँ देखो, आप इसका सॉल्यूशन और इसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन फाइंड करने वाले साइंटिस्टों के नाम देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें से कोई इंडियन इसमें काम नहीं कर रहा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत आसान प्रॉब्लम है, आप इसमें वर्क करो, और इंडियन स्टूडेंट में इतना कॉन्फिडेंस तो है और इतना नॉलेज भी है कि ऐसे प्रॉब्लम को वो हैंडल कर सकते हैं आसानी से। थैंक यू। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपके लिए एक नया ओपन प्रॉब्लम लेके आऊँगा, तो इसको लाइक शेयर और कॉमेंट करना। थैंक यू।